हेलो भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप मुझे फोन कर रहे हो अपने हनीमून से। क्यों, कोई रिवाज है कि घर वालों को हनीमून पे फोन नहीं कर सकते? नहीं, रिवाज नहीं है, बट एहतियात जरूर गवाए। अक्सर जब लोग हनीमून में जाते हैं तो अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। अबे तेरी भाभी और मैं किसी को नहीं बोले, ठीक है? और सबसे पहले तुझे ही फोन किया। अच्छा सुन ना, मानवी ठीक है ना? मानवी ठीक है भाई, अपने रूम में सो रही होगी। और आप किसी भी बात की टेंशन मत लो, मैं हूं ना, व्हेन विराट इज हियर नो फियर। ओके, सोच यार, जब जीविका और मैं वापस आएंगे हनीमून से और मानवी को वहां देखेंगे कितनी एक्साइटेड हो जाएगी। भाभी के लिए काफी सॉलिड सरप्राइज होगा। अच्छा सुन विराट, प्लीज मेक श्योर कि मानवी घर का कोई नियम ना तोड़े, किसी को भी उसे डांटने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और तू अपना भी ख्याल रखियो, ये सारी जिम्मेदारी अब तेरे हाथ में, ठीक है? जी चल, अब रखता हूँ मैं फोन। सुनिए सुनिए वीरेन जी, मुझे भी विराट से बात करनी है। इतनी मुश्किलों से उसने मानवी को स्टेशन ड्रॉप किया, थैंक यू तो बोल दूं। ठीक है। हेलो विराट, हेलो, हो सकता है कट गया हो, कोई बात नहीं, कल बात करते हैं। ठीक है। सॉरी भाभी, जो काम मैंने पूरा नहीं किया उसके लिए थैंक यू एक्सेप्ट नहीं करूंगा, दैट्स अगेंस्ट माय रूल्स। जीविका, अब मैं अपना तौलिया बाहर भूल गया हूं, प्लीज दे दोगी? सॉरी, वो भारी रह गया था। कर रहे? क्या करूं, इकलौती बीवी है मेरी, इतना भी नहीं कर सकता। वीरेन जी आप पूरे भीगे हो और आपको मस्ती सूझ रही है, आपको सर्दी हो जाएगी। सर्दी होती है? सच में सर्दी हो जाएगी, आपको पहुंच लीजिए। अगर इतनी फिक्र है तो खुद ही पहुंच लो। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की अदा, तू ही तू है, तू ही तू है सा।